सायरा सायरा उठ जाओ, फजर का टाइम हो गया है, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, गेट बंद कर लेना, उठ जाओ। तनवीर रुके, वो गजरे की थैली रखी होगी, वो ले जाएं और कहीं रख दीजिएगा, स्वीपर आ नहीं रहा है ना 3-4 दिन से, भाभी कह थी शायद गाँव गया हुआ है। आप एक काम करें, वैसे भी अंधेरा है, कोई देखेगा नहीं, गली के कोने में रख दीजिएगा। कैसी बातें कर रही हो तुम, कोई नहीं देख रहा तो क्या फर्क पड़ता, अल्लाह तो देख रहा है ना, हमें अल्लाह का खौफ होना चाहिए, लोगों का नहीं। फेंक देता हूँ। क्या तनवीर, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वहाँ कोई कचरा फेंकता ही नहीं है, अब वहाँ सारे फेंके, कोई गलती नहीं मानता तो इसमें क्या कह सकते हैं। सायरा अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें उसकी तकलीफ करनी है, हमें वो करना है जो सही है। मैं तो नहीं फेंक रहा, गेट बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ, उठो नमाज पढ़ लो तुम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। शुक्रिया भाभी, मैं ले लेता खुद ही। हाँ भाई, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं आपको 3 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन इस दफा मैं इंटरेस्ट 20% लूंगा भाई। अरे तो क्या हो गया यार, महंगाई भी तो देखो कहां से कहां पहुंच गई है, मैंने बढ़ा दिए तो क्या हो गया, ये भी तो देखो 3 लाख रुपए नकद दे रहा हूं तुम्हें, देता है इतना कोई? चलो भाई। तनवीर कैसे हो? मैं ठीक हूँ। रिजवान भाई, आप ये सूद का कारोबार छोड़ क्यों नहीं देते भाई? ये कोई अच्छी बात नहीं है, गुनाह है ये, और फिर अल्लाह और उसके रसूल ने सख्ती से मुखालफत की है इसकी। भाई अच्छी बात है आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन किसी की मजबूरी से फायदा उठाना भाई ये अच्छी बात नहीं है, इंसान गुनहगार होता। कैसी बातें कर रहे हो तनवीर, आजकल बड़े बड़े कारोबार इसी इंटरेस्ट पे चल रहे हैं, कुछ नहीं होता यार, और ये भी तो देखो मैं कितनी बड़ी रकम दे रहा हूँ, कोई देता है भला? मैं तो लोगों की मदद कर रहा हूँ, वक्त पर उनके काम आ रहा हूँ। और क्या तनवीर, आजकल के इतनी महंगाई के जमाने में कोई किसी को 5,000 उधार नहीं देता, 10 दफा सोचता है देते हुए, और तुम्हारे भाई लोगों की जरूरतों पर बड़ी बड़ी रकम उधार दे देते हैं। भाभी मैं भाई को लोगों की मदद करने से थोड़ी मना कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं ये अच्छी बात नहीं, ये गुनाह है। छोड़ो तनवीर, आजकल के जमाने में कौन हराम हलाल सोचता है, जाने दो। कोई क्या सोचता है क्या नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इससे नाजायज काम जायज तो नहीं हो जाता। मुझे वो परफ्यूम दो जो मैं लाया था, मुझे दोस्तों के पास जाना है, पार्टी है। जी आ रही। तन्वी चाय पी लेना। मेरा फोन भी ले आना। उबैद बेटा, मेरा राशन पैक कर दिया, कल लिस्ट भेजी थी ना बच्चे के हाथ। शारदा खाला, आपने पिछले 4 महीने से जो है वो पैसे नहीं दिए राशन के, मैं चाहता तो भर देता मैं तो, लेकिन मैंने खुद नहीं किया, आप हिसाब पूरा करते हैं, मैं कर देता हूँ। उबैद बेटा, तुम्हारे खालू ने पिछले 6 महीने से पैसे नहीं भेजे, और जैसे ही पैसे आएंगे ना मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा सारा कर्ज लौटा दूंगी। दुबई में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है ना, वो बेरोजगार है। फला मैं क्या करूँ, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, आप हिसाब पूरा कर दें, बात खत्म। क्या हो गया साजिदा मैम, आसिम भाई खैरियत से तो हैं, हर माह पैसे भेजते तो थे वो, फिर क्या हुआ? हाँ तनवीर भाई, वो बेरोजगार है और दुबई में दूसरी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप लोगों का इतना कर्ज चढ़ गया है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपसे वादा करती हूँ इंशाल्लाह अगले महीने राशन के पैसे देकर ही राशन लूंगी। अरे हाँ, कोई बात नहीं है बहन, वो बैठ राशन पैक कर दो। अगर अबू, अरे भाई कहा ना, तुम पैक कर दो,
तनवीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया जहाँ अपने भी साथ छोड़ देते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ही ऐसे बंदों को वसीला बनाता है। बस अल्लाह खैर करे, आप जाएं घर, मैं उबैद के हाथ भिजवाता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब इस तरह तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, फिर नुकसान ही होगा हमें। बेटा जब अल्लाह से तिजारत की जाए ना तो फिर कारोबार में नुकसान नहीं होता। तुम राशन पैक करके साइदा बहन के घर पहुँचा के कोचिंग सेंटर चले जाओ, मैं दुकान देख लूंगा। भाभी वो वाजिद भाई की बीवी आई थी, बहुत परेशान लग रही थी, उन्होंने कुछ बात करनी थी आपसे, लेकिन उस वक्त आप सो रही थी तो मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। कौन वाजिद? भाभी वही जिन्होंने एक वक्त में आप लोगों से शायद कर्जा लिया था। ओ, तुम उनकी तो नहीं बात कर रही जिनकी बेटी की शादी थी और उनकी बेटी ब्याह कर लाहौर गई है। जी जी वही। भाभी वो कह रही थी कि जितना कर्जा उन लोगों ने आपसे लिया है उसके पैसे तो वो पूरे कर चुकी हैं, लेकिन सूद की रकम ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो दरख्वास्त लेकर आई थी वो कि आप भाई से बात करें कि वो सूद की रकम को ख़त्म कर दें। देखो सायरा, ये सब रिजवान के कारोबारी मामलात हैं और उनमें मैं दखल अंदाजी नहीं करती, ये उनका ज़ाती मसला है। उनसे बोलो जो भी बात करनी है वो रिजवान से करें। भाभी वो बहुत परेशान है और शायद बीमार भी हैं, और अब उनके मियाँ की वो आमदनी नहीं रही। आप मुझे खुद बताइए वो पैसे कैसे वापस करेंगी। भाई ये सब मुझे नहीं पता, ये तो उन्हें रकम लेने से पहले सोचना चाहिए था। भाभी लेकिन जो कर्जे की रकम है वो तो आप लोगों को लौटा चुकी हैं। वो कर्ज की रकम वापस कर दी है उन्होंने, लेकिन सूद अभी बाकी है। रिजवान ने रकम देते हुए उन्हें क्लियर बता दिया था कि इस पर 10% लगेगा, और उस वक्त वो बड़ी खुशी खुशी ले गई थी। हमने उनसे कोई भी बात ढकी छुपी नहीं रखी है जो वो अब रोना पीटना मचा रही है। मगर भाभी आप उनके हाला। देखो सायरा, मुझसे बहस मत करो, जो भी बात करनी है तुम्हें रिजवान से करो। लेकिन तुम तो जानती हो ना, आजकल हमारे भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बाप की पढ़ाई काफ़ी महंगी है, यहाँ से 10 गुना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई महंगी है, तुम जानती हो ना। हर महीने उसे एक भारी रकम भेजनी होती है हमें। और फिर सायरा, ये सब रिजवान सिर्फ फहादी के लिए तो कर रहे हैं, एक ही तो बेटा है हमारा। मेरी मानो तो उबैद को भी तुम ऑस्ट्रेलिया पढ़ने भेज दो, वहाँ की डिग्री की बहुत वैल्यू है। जी चलती हूँ भाभी। सारा मेरे भाई के लिए भी दुआ करना भाई, अल्लाह उनको हिदायत दे और सूद के इस काम से जान छुड़ाए उनकी। ऐसा काम करते देखकर दिल दुखता कसम से। तनवीर, रिजवान भाई और भाभी को तो किसी की बात समझ ही नहीं आती है, और हमारा समझाना तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। आप हाँ बिला वजह वैसे उनकी फिक्र करते हैं। अरे भाई कैसे फिक्र नहीं करूं, हम दोनों भाइयों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा, अब अगर मैं फिक्र नहीं करूंगा तो कौन फिक्र करेगा। तनवीर वो उबैद की कोचिंग की फीस देनी है, और मेरा ख्याल से अब उसके एग्जामिनेशन फॉर्म्स भी आ गए होंगे, एक आध दिन में वो फीस भी जमा करवानी है। हाँ हाँ भाई क्यों फिक्र कर रही हो, अल्लाह का बड़ा करम है कि इस बार बहुत अच्छी आमदनी हुई है, एक दो रोज में दे दूंगा फीस, तुम फिक्र नहीं कर। खाना निकालूं आपके लिए? नहीं अभी कोई खास भूख नहीं है, बाद आ जाए तो फिर सब मिलकर खाना खाते। अब्बू, अम्मी, बू। क्या हुआ, खैरियत तो है? दुकान पे डकैती पड़ गई है। मैं गया, ताला टूटा हुआ था, इधर उधर सामान भी फैला हुआ था, कैश भी नहीं था, मुझे नहीं पता कितना नुकसान हुआ है। मैं आपको कॉल कर रहा था, आप कॉल नहीं उठा रहे, लोग वहाँ पे जमा हुए हैं, आप प्लीज जल्दी चले। ये एकदम से सब कुछ, अल्लाह तो खैर करना सा। बस कर दो सायरा,
देखो ना, जो होना था वो तो हो चुका। मेरा घर कौन डकैतों का, उन्हें भी चोरी करने के लिए तुम्हारी ही दुकान नजर आई थी। अरे मैं तो कहती हूँ ये कोई साजिश है। अल्लाह का शुक्र अदा करो सर कि रात के अंधेरे में उन्होंने ताले तोड़े। अगर दिन के उजाले में आकर मुझे या उबैद को कोई नुकसान पहुंचा देते तो फिर क्या कर देते? अरे भी वो तो जरा से पैसों के लिए जान लेने से भी दरेक नहीं करते। तुम भी अजीब हो तनवीर, डकैती होने पे भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। भाई मैं डकैती होने पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा, मैं तो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि किसी जानी नुकसान से बच गए। माल का क्या है वो तो फिर आ जाए। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो तनवीर, लेकिन एक बात है, तुमने पैसे को अपनी जिंदगी में कभी अहमियत नहीं दी। अगर तुमने पैसे को अहम जाना होता और जमा करके रखा होता तो आज मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आता। अब मुझे ही देख लो, मैंने कितना जमा किया, बेटे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहा हूँ, पूरे खानदान में मेरी वाह वाह हो रही है। पूरे खानदान में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपनी औलाद को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहा हो, मैं पढ़ा रहा हूं। सीखो मुझसे तनवीर, सीखो। क्या हुआ आज आप दुकान पे नहीं गए? अरे भाई दुकान पे जाके क्या करूंगा, माल होगा तो बेचूंगा ना, मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या नहीं। आप रिजवान भाई से कुछ पैसे कर्ज क्यों नहीं ले लेते हैं? सायरा तुम अच्छी तरह से जानती हो कि रिजवान भाई सूद पर कर्ज देते हैं, मैं उनसे नहीं मांगूंगा। मैं तुम लोगों को भूखा तो रख सकता हूँ, आराम नहीं खिला सकता। तमीर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ। आपके भाई हैं वो, आप पहली बार उनसे पैसे मांग रहे हैं, आप बात तो करके देखें, सूद के बगैर भी तो पैसे लिए जा सकते हैं, वो जरूर आपका ख्याल करेंगे, एक बार बात तो कर लें, बड़े भाई हैं आपके। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम जल्दी नहीं आ गए यूनिवर्सिटी से? हाँ वो क्लासेस आज जल्दी ख़त्म हो गए थे। अबू वो एग्जामिनेशन फीस जमा करानी होगी, मेरे सारे दोस्तों ने जमा करा दी, बस मैं ही रहता हूँ। कितनी फीस? 1.5 लाख। 1.5 लाख? लेकिन लास्ट टाइम तो 70,000 नहीं जमा करवाए थे? जी ये थोड़ी ज्यादा है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है ना इसलिए। हाँ बेटा। अरे वाह, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखो बेटा, दिल लगा कर पढ़ाई करना और पैसों की टेंशन तो तुम लेना ही नहीं, मैं कल ही तुम्हारे अकाउंट में डलवा देता हूँ। हाँ यार, मेरा जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है, मैं कमाता किसके लिए हूँ, तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो फिर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। फाह से बात कर रहे थे? हाँ फाह कॉल थी। कैसा? हाँ मेरा बेटा वहां बहुत खुश है। तुम सुनाओ कैसे आना हुआ? वो भाई वो बैद की ना फीस जमा करवानी थी और दुकान में कुछ माल डलवाना था, तुम इसलिए मुझे मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे भाई। अच्छा कितने पैसे चाहिए? भाई जितने आप आसानी से दे सकें, वैसे तो मुझे 3-1 लाख रुपए चाहिए थे। मैं तुम्हें 3 से ज्यादा भी दे सकता हूँ। नहीं भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बस 3 लाख रुपए ही काफी हैं और मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द आपको लौटा दूंगा। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, तुम ऐसा करो कल आके मुझसे 3 लाख रुपए ले लो। देखो यार मैं दूसरों से तो 20% इंटरेस्ट लेता हूँ,
लेकिन क्योंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए तुम 10% दे देना। नहीं भाई, मुझे इंटरेस्ट पर कर्जा नहीं चाहिए। अगर आप मुझे वैसे देना चाहते हैं तो दे दीजिए, लेकिन मैं इंटरेस्ट पर कर्जा नहीं लूंगा। देखो तनवीर, सीधी सी बात है यार, तुम तो अच्छी तरह जानते हो मेरा तो कारोबार ही यही है। अब घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा कहां से, है ना? मैं तुम्हें रकम के लिए इनकार नहीं कर रहा। तुम 3 के बजाय 4 लाख ले लो और 1 साल के बजाय 2 साल में वापस कर देना, लेकिन इंटरेस्ट तो तुम्हें देना होगा ना। तुम बताओ कब चाहिए तुम्हें पैसे, मैं तुम्हें दे दूंगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जो कयामत वाले दिन मुझे जहन्नुम की आग की तरफ खींच लें। नहीं चाहिए पैसे। कैसी बात कर रहे हो तनवीर, जाओ फिर कहीं से और से ले लो। एक तो मैं तुम्हें भाई समझ के ख्याल कर रहा हूँ तुम्हारा, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रहे हो। बेटी का तो जमाना ही नहीं है भाई। हद हो गई है। बताया बू दे लेते इंटरेस्ट से पैसा तो ले लेते ना, कौन सी कयामत आ जाती कि नहीं। अब कहां से आएंगे पैसे, पूरी दुनिया इंटरेस्ट पर कर्जा लेती है, उन्होंने तो जाके साफ मना कर दिया, अब कहां से आएंगे पैसे। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है उबैद, अब क्या होगा। आमदनी का एक ही जरिया था, दुकान भी बंद हो गई है। अभी भी वक्त है अम्मी, अगर ताया अबू सूद पे पैसा दे रहे हैं ना तो अबू को बोले ले लें, इस वक्त हमें पैसों की जरूरत है। तो तुम क्या चाहते हो, हाँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से जंग करूं। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे थे तनवीर। अबू हमारा ये कहने का मतलब नहीं था, इस वक्त हमें सख्त पैसों की जरूरत है। सूद लेने देने और उसका काम करने वाले पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। तुम क्या चाहते हो कि मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊं, वक्ती फायदे के लिए अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर लूं। अगर तुम ऐसा चाहते तो कान खोल के सुनो, मैं ऐसा करने वाला नहीं, और अगर किसी ने किया भी तो मैं उसे करने नहीं दूंगा। समझे तुम? रिजवान, ये तनवीर खुद को समझता क्या है? जब दिल करता है आपकी बेइज्जती कर देता है। आप बड़े भाई हैं उसके, लेकिन उसकी निगाह में आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं जानती हूँ वैसे मसला क्या है, वो आपको तरक्की करते देख ही नहीं सकता। वो देख रहा है ना कि हमारे पास इतना पैसा आ रहा है तो दोनों मियाँ बीवी जलते हैं, बर्दाश्त नहीं होता उनसे। खुद तो बर्बाद हो गए, चाहते हैं कि हम भी कंगाल हो जाए उनकी तरह। मैं बता रही हूँ आपको, कोई उनको एक पैसा नहीं देगा, देखिएगा आप। फिर आएंगे आप ही के पास पैसा मांगने, हाथ फैलाकर। वो दिन दूर नहीं, और फिर देखिएगा मैं कैसे उनकी अकड़ निकालती हूँ। ये हम दोनों भाइयों का मामला है, तुम बीच में मत बोलना। जब वो मेरे पास आएगा तो फिर मैं अच्छी तरह सुनाऊंगा उसे, मैं भी कोई हिसाब नहीं छोड़ूंगा उसके ऊपर। मम्मी प्लीज कुछ करें, मेरी पूरी मेहनत जाया हो जाएगी, मेरा पूरा साल जाया हो जाएगा। कल एग्जामिनेशन फीस की लास्ट डेट है, प्लीज कुछ करें फीस। अच्छा तुम रुको, मैं भी आई। हाँ चलिए गए मम्मी। वैद, ये तुम्हारे अब्बू जी ने मुझे शादी पे मुंह दिखाई में दी थी, ये इसे बेच दो, अच्छी रकम मिल जाएगी तुम्हें। नहीं 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 अम्मी, ये नहीं, मैं ये सेल आउट नहीं कर सकता। आपने वैसे ही सारा अपना जेवर बेच दिया था दुकान खरीदने के लिए, और ये तो आपके पास आखिरी अंगूठी बची है। नहीं नहीं, मैं इसको नहीं बेच सकता, नहीं प्लीज प्लीज। मेरे लिए तुम्हारा करियर बहुत जरूरी है, अंगूठियां फिर बन जाएंगी, तुम इसे बेचो और अपनी फीस जमा करवाओ। मगर अम्मी,
मैं कह रही हूँ ना, इसे मेरा हुक्म समझो। देखो मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे अब्बू जी को कर्जा मिलेगा भी या नहीं, लेकिन तुम अभी फिलहाल ये अंगूठी बेच के अपनी फीस जमा कराओ, बाद के मसले हम बाद में देख लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपके पास इसकी रसीद है? क्योंकि इसको बेचने में रसीद अगर होगी तो अच्छे पैसे में बिकेगी। हाँ हाँ रसीद है, मैंने मैंने संभाल के रखी है, मैं अभी लाई। हाँ तुम्हें कितना टाइम लगेगा? हेलो हेलो, हाँ बाहर हो? अच्छा हाँ आ आ रहा हूँ। नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। मेरे शौहर के कारोबार को बुरा कहते हो ना तुम लोग, मैं तुम लोगों को मजबूर कर दूंगी अपने शौहर के आगे हाथ फैलाने के लिए। आखिर तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी अकड़ तो मैं अब खत्म कर दूंगी। अरे ये कहाँ चला गया? बगैर रसीद के ज्वेलर के पास कैसे जा सकता है? तुम्हारे अब्बू आ जाए नमाज पढ़ के तो बस फिर हम साथ ही खाना खाएंगे। वैसे अब्बू आजकल ज्यादा मस्जिद में वक्त गुजारने लग गए। हाँ उनकी आदत है, जब वो परेशान होते हैं तो फिर अल्लाह की इबादत में वक्त ज्यादा गुजारते हैं। अरे वो अंगूठी और रसीद दे दे, मैं खाना बाद में खा लूंगा, मसला नहीं। क्या मतलब? दे तो दी थी मैंने तुम्हें उबैद, बल्कि मैं तो पूछना ही भूल गई, वो क्या हुआ? तुमने बेची तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैं अंगूठी कब लेके गया? आप रसीद देने गई थी तभी तो मैं लेके जाता अंगूठी। हाँ तो जब मैं रसीद लेकर वापस आई हूँ तो तुम अंगूठी लेके जा चुके थे ना। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तो अंगूठी टेबल पे रखी थी, मेरे दोस्त की कॉल आ गई थी, मैं उसके साथ जरूरी काम से गया था। फिर अंगूठी कहाँ गई उबैद? मुझे क्या पता कहाँ गई, मुझे लगा आपने उठा ली होगी। तो तुम क्या कह रहे हो उबैद? तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था कि तुम अंगूठी छोड़ के जा रहे हो। भाभी वो मैं पूछ रही थी कि आपने अंगूठी तो नहीं देखी मेरी, नीचे सोफे पे पड़ी हुई थी। कौन सी अंगूठी? मैं क्यों तुम्हारे किसी चीज को हाथ लगाने लगी भाई? तुम्हारी निगाह में गुनहगार तो हम पहले ही थे। अब बहन चोरी का इल्जाम तो हम पर नहीं लगाओ ना। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी आपसे। मुझे सब पता है तुम्हारा क्या मतलब था, आइंदा से मुझसे सोच समझ कर बात करना, समझी तुम? उबैद क्या करेंगे अब ये बताएं। अपने अब्बू को कुछ मत बताना, वो इतने परेशान हैं कि ये सुनेंगे तो मजीद परेशान हो जाएंगे। मैं ढूंढती हूँ शायद मिल जाए, तुम दुआ करो कि मिल जाए। माम मैं सोच रहा हूँ कि इंटरेस्ट की रकम 20 से बढ़ाकर 25% कर दूं। मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझे क्या पता आपके कारोबारी मामलात का, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। किसका फोन है? ऑस्ट्रेलिया से है। तो उठाइए ना जल्दी, फहद का फोन होगा। नहीं नहीं फहद का नंबर तो मेरे पास सेफ है, ये तो कोई और नंबर है। खैर हेलो ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। क्या हुआ रिजवान, किसका फोन था, क्या कह रहा था? फहद को मंशियात के चक्कर में पकड़ लिया ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने। या अल्लाह
तनवीर, उबैद की एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। दारमा ने पूरी कोशिश की है कि कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। अब जो मेरे अल्लाह को मंजूर। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिदा बहन, आप कैसी हैं? जी तनवीर भाई, आपने काफी दिनों से दुकान नहीं खोली। आपकी दुकान के आशय के बारे में मुझे पता चला, बहुत अफसोस हुआ। आज भी आपकी दुकान खुली नहीं थी तो आपके घर पर चली आई। साहिदा बहन, अगर आपको मेरे हालात का पता है तो फिर अब आपसे क्या छुपाऊं? अभी मेरे हालात ही नहीं है कि मैं दुकान खोल पाऊं। माजरत, आप अपनी ओर से अपना राशन ले लीजिएगा। जैसे हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह खोल लूंगा दुकान। मैंने एक दो लोगों से बात की है कर्ज की, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। तनवीर भाई, आपने हमेशा मुझे कर्जे पे राशन दिया और खुद देखिया कमाई, मगर जब मेरी नेकी कमाने का वक्त आया तो आपने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि मुझे बताएं। वो तो मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि आपको कर्जे की जरूरत है। मेरे शौहर की नौकरी लग गई है, बल्कि बहुत अच्छी जगह पर नौकरी लगी है। उन्होंने मुझे दुबई से कुछ पैसे भेजे तो मैंने सोचा कि मैं आपको दे दूं। मुझे तो फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रख लीजिए। मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? देखिए ना तनवीर भाई, ये पैसे आपके पास जब भी आए ना, मुझे आप वापस दे दीजिएगा। मैं आपको उधार दे रही हूँ, और आप ही तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ही वसीले और जरिए बनाता है, तो यही सही। ये लीजिए, रख लें। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे बैठिए, चाय तो पीजिए। अरे नहीं शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तनवीर, अल्लाह ताला ने सबब बना ही दिया ना। बैद को फोन कर दो, उसको कहो कि यूनिवर्सिटी में ही रुके, मैं उसकी फीस जमा करवाने आ रहा हूँ। जी क्या हुआ? वहां से बात हुई आपकी? कोई वकील किया आपने उसके लिए? मैं कितनी देर से आपको फोन मिला रही थी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहां रह गए थे इतनी देर? ऑस्ट्रेलिया में वकील करना इतना आसान नहीं है माम, जितना तुम समझ रही हो। यासिर भाई ने एक वकील से मेरी बात कराई है, लेकिन वो बहुत पैसे मांग रहा है। फहद को इस केस से छुड़ाना अब मेरे बस में नहीं है माम। बर्बाद हो गए हम। नहीं रिजवान, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जितने पैसे लगते आप लगाए, सारे पैसे आप लगा दीजिए, लेकिन उसको वहां से रिहाई दिलवाइए प्लीज। वहां से मेरी बात हुई थी, वो बता रहा था, मेरी कसम खा के मुझे बता रहा था, उसने कुछ भी नहीं किया, उसको फंसाया जा रहा है। हाँ, सच कह रहा है या झूठ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने अपने अकलौते बेटी की राही के लिए कोई कसर छोड़ी होगी? मैंने सारी जमा पूंजी फाद की राही के लिए लगा दी है माम। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हो गया हूं मैं, खाली हाथ। ठीक कहते हैं लोग, हराम का पैसा हराम में ही जाता है।
तनवीर ने मुझे कितना समझाया था कि मैं ये सूद का कारोबार छोड़ दूं, लेकिन मैंने एक ना सुनी। बर्बादी तो मेरा मुकद्दर बननी ही थी।